वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनदर मॉक टेस्ट सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू टू रिवाइज द ट्यूटोरियल ऑन द सरफेस केमिस्ट्री, और उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज कर लिया होगा और उसकी हेल्प से आप ये पूरा मॉक टेस्ट कवर करने के लायक हो जाओगे। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा एंड तक, और अपनी परफॉर्मेंस मुझे जरूर सेंड करना। तो जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं पहले करें, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल सेशन वाले हैं। जैसे बात करें हम केमिकल कनेटिक्स का, पहले हमने सोचा था वो सारा न्यूमेरिकल्स है ज़्यादा, उसका हम अलग से सेशन रखने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन वाला टॉपिक है उसका भी न्यूमेरिकल सेशन ही है। तो पहले हम कंसेप्चुअल का मॉक टेस्ट कवर करेंगे, फिर बाद में साथ साथ हम न्यूमेरिकल वाला भी करते जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द सरफेस केमिस्ट्री, उसमें फर्स्ट आता है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म गिव द स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग। फ्रेंडलिच जो एडसॉर्प्शन है, आइसोथर्मल है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, उसका क्या इक्वेशंस बनता है और जो प्लॉट बनता है कैसे बनता है। एक्सपोन एम वर्सेस पी, लॉग एक्सपोन एम वर्सेस पी, लॉग एक्सपोन एम लॉग पी, लॉग एक्सपोन एम वर्सेस 1/p। तो किसके अगेंस्ट कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स लेके हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुइर आइसोथर्म जो है उसका क्या करेक्ट एक्सप्रेशन है। एक्सपोन एम इक्वल टू 1 + ap / b, एक्सपोन एम इक्वल टू ap 1 + bp, एक्सपोन एम इक्वल टू 1 + ap 1 + pb, एक्सपोन एम इक्वल टू 1 + a + bp / a। तो बताइए, तो दो ये इक्वेशंस हैं जो एडसॉर्प्शन से रिलेटेड आपको मैंने दी थी, वो गवाही थी आपने की होगी। थर्ड वन इज द स्ट्रेट लाइन विल बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लैंगमुइर एडसॉर्प्शन इफ बी प्लॉट। स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब हम लॉग एक्सपोन एम वर्सेज लॉग पी को प्लॉट करें, एक्सपोन एम को पी को प्लॉट करें, एक्स एमपोन एक्स को 1/p से करें, एक्सपोन एम को 1/p से करें। तो किन वर्सेस को लेकर हम लैंगमुइर एडसॉर्प्शन में जब प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन करवाएगी, बताइए। तो जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हैं ये कर्व से ही लेटर्स हैं। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ कीमो एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय सॉलिड विद टेम्परेचर अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। गैस की एडसॉर्प्शन बता रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के हिसाब से जो कीमो एडसॉर्प्शन है कैसे चल रही है, करेक्ट क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो बताइए कौन सा ग्राफ है सही है। तो ये NCERT में ग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपने रिवाइज किया होगा ट्यूटोरियल तो एक ग्राफ तो आपने देखा ही होगा, तो आराम से आप उसका आंसर देने के कैपेबल हो। नेक्स्ट इज फॉर ए गैस सॉलिड एडसॉर्बेंट। गैस सॉलिड एडसॉर्बेंट जो है इसके ऊपर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब करेंगे, द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सपोन एम इक्वल टू kp 1/n इज एप्लीकेबल व्हेन n इक्वल टू 5 इन द स्पेसिफाइड केस, पॉइंट ओवर द करेक्ट स्टेटमेंट। 5 की वैल्यू जब आए तभी ये एप्लीकेबल है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एक्सपोन एम वर्सेज पी प्लॉट इज लीनियर ग्राफ विद स्लोप इक्वल टू 5, एक्सपोन एम वर्सेज पी लॉग पी इज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू 5, एक्सपोन एम वर्सेज लॉग पी इज स्ट्रेट लाइन स्लोप इक्वल टू 0.2 none of these। तो बताइए, सो ग्राफ की जो प्लॉट होती है, कर्व होती है, वो उसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 1/n करते हो, 1/n से 1/5 कर दो तो आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा, ये आपका क्लू है। नेक्स्ट है, लैंगमुइर मॉडल ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस क्या कहता है। द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस कवर्ड, द एडसॉर्प्शन एट ए सिंगल साइट ऑन द सरफेस मे इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल एट सेम टाइम, द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस is proportional to the pressure of gas, the mass of gas striking a given area of surface is independent of pressure of gas।
तो क्या मॉडल है लिंगवेयर का जो एडजॉप्शन को बताता है, तो इनमें से करेक्ट क्या ऑप्शन है। लिंगवेयर एडजॉप्शन का ऑलरेडी आपने किया हुआ है, एक्सपोन एम इक्वल टू वन प्लस ए पी, सॉरी इक्वल टू ए पी प्लस वन प्लस पी बी। तो ये एक्सप्रेशन देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल जो एडजॉप्शन है उसके रिगार्डिंग कौन सी टर्म गलत है। इट अकर बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, मोर इजली लिक्विफाइड गैस आर एब्जॉर्ब रैंडली, अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन डेल्टा एच इज लो एंड पॉजिटिव। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन से मैच नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया अब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 केल्विन के ऊपर 1 ग्राम जो कोला है, वुड चारकोल जो होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गैस या सबसे कम गैस कौन सी एब्जॉर्ब होगी। हाइड्रोजन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया हाइड्रोजन मिथेन, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन हाइड्रोजन, बताइए। तो ये एडजॉर्प्शन का रेट है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो सकती है। तो आपको इसका टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करना होगा। तो ये वैल्यू याद करने वाली वैल्यू है, बुक से भी आपको मिल जाएंगी। तो जब आपको क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन ग्राफ, दो ग्राफ दिए हैं ए एंड बी, एक्सपोन एम वर्सेस पी से प्लॉट किए गए हैं, दोनों में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, एक शार्पली आ रहा है एक सीधा हॉरिजॉन्टल जल्दी हो रहा है। ए रिप्रेजेंट फ्रेंच लिस्ट एडजॉर्प्शन, बी रिप्रेजेंट लिंगवर, ए रिप्रेजेंट लिंगवर बी फ्रेंच लिस्ट, बोथ लिंगवर एंड फ्रेंच लिस्ट एडजॉर्प्शन हैव बीन फाउंड टू बी एप्लीकेबल इन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इन सॉलिड ओनली, चेंज ऑफ द प्रेशर अफेक्ट्स ए लॉट एंड फर्दर एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस इन बोथ आइसोथर्म। तो बताइए अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो फ्रेंडलिस्ट एंड लिंगवर एब्जॉर्प्शन से ही किए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इसके आंसर देने के कैपेबल हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिमल कंडीशन इन केस ऑफ वंडर वाल एब्जॉर्प्शन, वंडर वाल एब्जॉर्प्शन इज द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, उसको कराने की क्या कंडीशंस हैं। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडली एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। इसका भी आपने क्रिटिकल टेम्परेचर वाला क्लू लेके चलना है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ए बी सी डी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपको मैंने करवाई है, कौन सा ग्राफ है जो इसको शो करता है। विच कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो सकता है। फाइनली डिवाइडेड निकल, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लैटिनम, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, कोलाइडल फेरस हाइड्रोक्साइड, कौन सा ऐसा कंपाउंड है केमिकल्स है जिसके ऊपर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है। तो बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन प्ले नो रोल इन, अब एब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं है किसमें, शुगर इंडस्ट्री टू डीकलराइज द क्रूड शुगर, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ड्राइंग ऑफ द सब्सटेंस यूजिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बताइए। हो मैनी लेयर आर एब्जॉर्ब इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन में कितनी लेयर एब्जॉर्ब होती हैं, 1, 2, many, 0। लिंगवर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म वर्क पर्टिकुलरली
वेलफेयर, लिंगुअर एडसॉर्प्शन किसके ऊपर काम करती है अच्छे तरह से, मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, ओनली यूनिमोलर एडसॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, एट इनिशियल स्टेज द यूनिमोलर एडसॉर्प्शन टेक प्लेस एंड आफ्टर द मल्टीमोलर एडसॉर्प्शन स्टार्ट, ऑल ऑफ दिस। बताइए इनमें से कौन सी कोटेशंस हैं जो लिंगुअर एडसॉर्प्शन के जस्टिफाई करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, ए मिक्सचर ऑफ द नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एडसॉर्प्शन ऑन। डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन का जो डिफरेंस है चारकोल का है अलग अलग के लिए, ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एडसॉर्प्शन ऑन, कैसे, वांट चारकोल, कोकोनट चारकोल, पाउडर चारकोल, कोक, अलग अलग तरह की चारकोल है उसका अलग अलग एडसॉर्प्शन का डिग्री है, तो बताइए इसको। 18, एट ए लो प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड फॉलो, कितना फ्रैक्शन सरफेस कवर करती है जब एडसॉर्प्शन होती है, क्या है वो, जीरो ऑर्डर कनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर कनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर कनेटिक्स, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, 50 ml ऑफ 1 molexic एसिड इज शेकन विद 0.5 gram वुड चारकोल, एसिड को चारकोल के साथ शेक किया 50 ml लेके 5.5 gram चारकोल लेके, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एडसॉर्प्शन जो है 0.5 रहेगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ कार्बन, तो कितना एडसॉर्ब हुआ कार्बन के कंपैरेटिव, इसको करेंगे 1 × 50 अबाउट 1000 126 मॉलिक्यूल वेट है ऑक्सैलिक एसिड का, तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली फिजियो एडसॉर्प्शन, फिजियो एडसॉर्प्शन कौन सी है, नॉन स्पेसिफिक नेचर है, हाई स्पेसिफिक है, इरिवर्सिबिलिटी है, नॉन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ एक्सपोन एम इज द मास ऑफ एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, पी द प्रेशर ऑफ एडसॉर्बेंट, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंगुअर एडसॉर्प्शन इक्वेशन, लिंगुअर एडसॉर्प्शन इक्वेशन कौन सी है इसमें से, लॉग एक्सपोन एम इक्वल टू लॉग ए प्लस बी प्लस 1/a लॉग पी, एक्सपोन एम इक्वल टू बी बाय ए प्लस 1/ap, एक्सपोन एन इक्वल टू 1+bp/ap, एक्सपोन 1/exponm इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 1/ap, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, डाइंग ऑफ फाइबर इन बॉल, फाइबर को डाई करने की क्या प्रोसेस है, एडसॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ऑल ऑफ दीज। कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर बेसिस है, प्रिफेंशियल एडसॉर्प्शन, प्रिफेंशियल डिसॉर्प्शन, एलिशन टू बी यूज, साइज ऑफ एडसॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बताइए इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन का क्या है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच कंडीशन द एडसॉर्प्शन विल नॉट टेक प्लेस, कब एडसॉर्प्शन नहीं होगी, डेल्टा एच जब नेगेटिव होगी, जब पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगी। एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों, सरफेस जो एनर्जी इंक्रीज, सरफेस एनर्जी डिक्रीज, सरफेस एनर्जी रिमेन सेम, रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों है, एडसॉर्प्शन में क्या होता है, जब एडसॉर्प्शन होती है हीट निकलती क्यों होती है। 27, विच गैस वुड गेट एडसॉर्ब वेन पास इनटू सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम एक्वस प्लस 3, क्या होगा, कौन सी गैस एडसॉर्ब होगी, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। 28, नोबल गैस आर एडसॉर्ब बाय, नोबल गैसेस कैसे एडसॉर्ब होती हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट इज द 1 gram चारकोल एडसॉर्ब 100 ml ऑफ 0.5 एसिटिक एसिड टू फॉर्म ए मोनोलेयर,
एज ए रिजल्ट ऑफ मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड जो है 0.49 रह गई है उसके बाद एडसॉर्प्शन के बाद, बट विल बी द सरफेस कवर्ड बाई ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बट गिवन द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल इतना, एक मोल कितना एरिया कवर करता है इसका, और आपको टोटल सरफेस एरिया जो उसका दिया है 3.0 × 10^2। तो कोशिश करिए इसको करने की, अगर नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, वी विल डिस्कस। नेक्स्ट इज द इन एन एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट ग्राफ बिटवीन एक्सपोन एम वर्सेस पी फाउंड टू बी लीनियर, लीनियर आया और 45 डिग्री पे। द इंटरसेप्ट लॉग एक्सपोन एम एक्सिस फाउंड 0.3010, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल अंडर द प्रेशर ऑफ 0.5 ATM विल बी। तो क्या होगा, गैस कितनी एब्जॉर्ब हुई है 0.5 प्रेशर के अकॉर्डिंग, बताइए। कोशिश करिए इसका आंसर देने की। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ रियल गैस ऑन चारकोल एट 1 ATM एंड 15°C। गैस विच आर स्मॉल इन मॉलिक्यूल साइज आर एब्जॉर्ब मोर, डिक्रीजिंग इन प्रेशर इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। गैसेज विच आर इजली लिक्विफाइबल आर एब्जॉर्ब मोर क्वांटिटली, गैस विच हैव बिहेवियर सिमिलर टू इनर्ट गैस आर एब्जॉर्ब मोर, बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है एडजॉर्प्शन की, रियल गैस की ऑन चारकोल 1 ATM प्रेशर के हिसाब से 15 डिग्री टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इनका दिया हुआ है, एडजॉर्प्शन इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मैंने इसका ऑलरेडी क्लू दे दिया, मैं क्लू नहीं दूंगा, उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट वी हैव कैटालिसिस, इन होमोजेनियस कैटालिसिस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट, सरफेस एरिया कैटालिस्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट, ऑल ऑफ दिस। कैटालिस्ट के बारे में भी दिया है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस सिलेबस में दिया, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम, एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट डैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट डैट आर स्पेसिफिक टू एक्शन, एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट डैट कैनॉट बी पॉइजन, एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट डैट पजेसिस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। ये मैंने करवा दिया, आप इसका आंसर दोगे, मैंने ऑलरेडी आपको कल इसका ट्यूटोरियल दिया था। 35 विच कन्वर्ट द अल्कोहल डायरेक्टली इंटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेशन, अल्कोहल को गैसोलीन में कौन कन्वर्ट करता है डिहाइड्रेशन से, जेलाइट एस, जेलाइट ए, ZSM5, चैबजाइट। 36 वेन द KClO3 इज हीटेड, KCl एंड ऑक्सीजन डिकम्पोज हो गया, इफ सम MnO2 ऐड किया गया तो रिएक्शन ज़्यादा हो जाती क्यों, MnO2 कैटलिस्ट है, MnO2 KClO3 को KCl में कन्वर्ट करता है, हीट देता है, नन ऑफ दीज। तो MnO2 ऐड करने से क्या होता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, बताइए। रिएक्शंस ये यहाँ कंसिडर करिए, ABCD, 2SO2 O2 इक्वल टू SO3, N2S2 अमोनिया, N2O2 NO2, S2I2 2HI। ये रिएक्शन है, किसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत है, ANC, BND, ANB, ऑल ऑफ दीज। ये रिएक्शन आपने देखी होगी फ्रेंड्स, बहुत इजी रिएक्शंस हैं, नॉर्मल रिएक्शंस हैं जो आपको करवाई हुई हैं अलग अलग चैप्टर्स में। तो कौन सी रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। 38 द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइम एक्टिविटी, 278 से 288, 288, 398, 298, 298, 310, 310, 318, कौन सा बेस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है अच्छे से। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द होमोजेनियस कैटलिस्ट, ऑयल, हाइड्रोजन, सैचुरेटेड फैट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अमोनिया, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसिटिक एसीटेट एंड वाटर, नॉन ऑफ दीज, बताइए। होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है मैंने बताया है ट्यूटोरियल में, अगर आपने ध्यान से सुना आप इसका आंसर दोगे। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, कैटलिस्ट ऑपरेट टू बी प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्शन डैट इनवॉल्व लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द कैटलिस्ट लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन।
सो कैटलिस्ट से रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं, कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है ये भी आपने पूरा पढ़ लिया कैटलिस्ट के बारे में, आप इसका आंसर दे पाओगे। इन सर्टेन केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टाइम, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इंड्यूस कैटालिसिस, कैटालिटिक इनहिबिशन, ऑटो कैटालिसिस, कैटालिटिक प्रमोशन, बताइए। इन टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट द मैग्नीज साल्ट फॉर्म कैटालाइज द रिएक्शन, द मैग्नीज साल्ट क्या है? ये आप बहुत ईजी है, टाइट्रेशन आपने 10th 11th में की होगी, तो इसमें मैग्नीज क्या है? प्रोमोटर है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ऑटो कैटलिस्ट है, नॉन ऑफ दीज, क्या है इसमें? द नेगेटिव कैटलिस्ट रिटार्ड द स्पीड, क्यों नेगेटिव क्यों कर देता है रिएक्शन की स्पीड कम? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, डीएक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एनी अदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, बताइए। A catalytic poison render the catalyst ineffective because, poison से catalyst ineffective हो जाता क्यों? Preferentially absorb on catalyst, absorb the molecule of reactant, combine chemically with the catalyst, combine with one of the reactant, बताइए। Poison क्या करता है जिससे catalyst की activity कम हो जाती है? फाइनली डिवाइडेड जो स्टेट है कैटलिस्ट की, मोर एफिशिएंट है इन दिस स्टेट, जब कैटलिस्ट को छोटा छोटा उसके डिवाइड पाउडर फॉर्म में यूज़ करें तो ज़्यादा एक्शन करता, क्यों? लेस एक्टिव सेंटर आर फाउंड, मोर सरफेस एरिया अवेलेबल, मोर एनर्जी स्टोर इन कैटलिस्ट, नॉन ऑफ दीज। इन केस ऑफ द ऑटो कैटलाइसिस, रिएक्टेंट कैटलाइज, प्रोडक्ट कैटलाइज, सॉल्वेंट कैटलाइज, हीट प्रोड्यूस इन रिएक्शन कैटलाइसिस, बताइए। विच इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, इट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट इनिशिएट द रिएक्शन, इट अल्टर द रिएक्शन रेट, इट इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एडसॉर्प्शन थ्योरी, एडसॉर्प्शन थ्योरी कौन सा कैटलिस्ट बताती है? होमोजीनियस, एंजाइम, एसिड बेस, हेट्रोजीनियस। तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, से कैटलिस्ट से रिगार्डिंग है, आपको मैंने एंजाइम एंड कैटलिस्ट का ट्यूटोरियल दिया था और सरफेस केमिस्ट्री में भी डिटेल में इसका दिया हुआ है, तो बताइए इसका आंसर। 49, ए सब्सटेंस विच प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो एक्टिविटी बढ़ाता है कैटलिस्ट की उसको क्या कहते हैं? इनिशिएटर, कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, प्रमोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कैटलिस्ट डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट में इफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कैटलिस्ट इज ऑलवेज एक्सटर्नल सब्सटेंस टू एडेड, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। 51, ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, इंक्रीज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द कोलिजन डायमीटर। 52, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम जो है बताइए ट्रू है? एंजाइम लैक स्पेसिफिक साइट, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर बाइंडिंग काइरल सब्सटेंस एंड कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, पेप्सिन इज प्रोटीलिटिक एंजाइम। चार स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन से कॉम्बिनेशन सही है? 1 and 4, 1 and 3, 2, 3, 4, only 1। तो कॉम्बिनेशन पढ़िए ध्यान से, समझिए, जो सारे मैंने आपको करवाए हैं एंजाइम वाले टॉपिक में, इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। तो ऊपर वाले भी देख लीजिए ध्यान से, आराम से करने वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत आसान है। विच इज नॉट ट्रू, कैटलिस्ट एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट अनचेंज द एंड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, द कैटलिस्ट अल्टर द इक्विलिब्रियम, स्मॉल कंट्री ऑफ कैटलिस्ट ओफन सफिशियंट फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक, क्यों? एक्टिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, बींग प्रोटीन, बींग कंज्यूम एट रिएक्शन, वेरी लो टेम्परेचर पे एक्टिव एक्शन करते हैं, बताइए। यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मीनिंग है एंजाइम एंड कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये बता रहा है। लास्ट, गिवन बिलो द कैटलिस्ट कॉरेस्पॉन्ड प्रोसेस रिएक्शन बैच, कौन सी रिएक्शन करती है? ए बी सी डी, कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो कैटलिस्ट के हिसाब से चलती है, उसका कैटलिस्ट भी दिया हुआ है। आई होप ये आपने पढ़ी है सारी प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट, थोड़ा लेंथी टॉपिक है जी, आज हम इसमें इतना ही करेंगे कैटालिसिस एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो कल हम कोलाइडल वाला टॉपिक कवर करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था, दोबारा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए।
काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया आपने। एक दो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, आसान है, आपको क्लू दे दिया था। बट ज़्यादा रेदर जो टॉपिक जो है सरफेस केमिस्ट्री का, ये कंसेप्चुअल ज़्यादा है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चंस बड़े आरामदायक क्वेश्चन है, आसाना है क्वेश्चन, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा तभी इसका आंसर देने के कैपेबल होगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर वंडरफुल वीडियो। थैंक यू एंड गुड लक।